Okay, the next type of defect is line defects. When there's irregularity of deviation of ideal arrangement in the entire row of lattice points, यानी किसी भी crystal lattice के अंदर पूरी रो के अंदर अगर इरेगुलरिटी या डेविएशन है आइडियल अरेंजमेंट से या फिर डिस्टर्बेंस है पूरी रो में, डिस्टर्बेंस कैसे हो सकती है, डिस्टर्बेंस तरीके से हो सकती है कि या तो रो जो है उसका कुछ हिस्सा मिस्ड है या किसी रो का कुछ हिस्सा इंसर्ट हुआ हुआ क्रिस्टल के अंदर, यानी एक पॉइंट एक एटम मिस नहीं है या एक एटम इंसर्ट नहीं है बल्कि एक रो जो है वो इंसर्ट है या मिस्ड है। इरेगुलरिटी है रो वाइज अरेंजमेंट में, एटॉमिक अरेंजमेंट में, तो हम कहेंगे लाइन डिफेक्ट है। और रो चूंकि वन डायमेंशनल होती है इसलिए हम इसको वन डायमेंशनल डिफेक्ट भी कहते हैं। और इसमें बॉन्डिंग जो है जहां पर वो डिस्टॉर्शन हो, जहां पर डिस्टर्बेंस होगी रो की, वहां पर बॉन्डिंग जो है उसमें डिस्टॉर्शन नजर आएगी, डिस्टॉर्शन वहां पर काफी हद तक मौजूद होती है जो देखी जा सकती है। और ये जो अरेंजमेंट है यहाँ पर, ये इस तरह का डिफेक्ट जो है ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पर स्पेशली इफेक्ट करता है। तो लाइन इफेक्ट असल में रो में डिस्टर्बेंस है किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर। अगर हम इस डिस्टर्बेंस की क्रिस्टल लैटिस की अगर रो इंसर्ट है, हाफ रो या रो का कुछ हिस्सा इंसर्ट है या एबसेंट है, तो वहां उसे वहां पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर लैटिस के अंदर डिस्टॉर्शन तो होगी, जाहिर बात है जिस तरफ रो ऐड है वहां पर क्रिस्टल का साइज लैटिस का साइज बड़ा होगा और जहां पर एब्सेंट है वहां पर साइज कम होगा, तो डिस्टॉर्शन तो प्रोड्यूस होगी। अब इस डिस्टॉर्शन की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को डिटर्मिन करने के रिप्रेजेंट करने के लिए जॉन बर्जर ने एक वेक्टर दिया था, एक वेक्टर जो है इंट्रोड्यूस करवाया था जिसकी मदद से हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रिस्टल डिस्टॉर्टेड क्रिस्टल जो है उसका पता चला सकते हैं। नॉर्मली इस वेक्टर को बी से जाहिर किया जाता है और इस वेक्टर को वेक्टर से डिस्टॉर्शन की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड डिटरमिन कैसे की जाती है इसके लिए आप लोग इस फिगर को देखें और साथ साथ ये प्रोसीजर देखें। यहाँ पर आपको फिगर देखें तो दो नजर आ रही है, लेफ्ट साइड पर जो फिगर है ये परफेक्ट क्रिस्टल कंप्लीट क्रिस्टल है, यानी ऐसी क्रिस्टल है जिसमें डिफेक्ट नहीं है, इसके अंदर किसी तरह का रो में डिस्टॉर्शन नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम एक पूरा कंप्लीट साइकिल ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। हम पी से स्टार्ट करते हैं, अगर हम पी से मूव करते हुए अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर हमें कितने स्टेप्स जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 स्टेप हम ऊपर जाते हैं। वहां से हम लेफ्ट साइड की तरफ राइट की तरफ मूव करते हैं 5 स्टेप 1 2 3 4 5 और फिर हम डाउनवर्ड मूव करते हैं क्योंकि हम अपवर्ड डायरेक्शन में 6 स्टेप गए थे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उतने स्टेप नीचे जाएंगे। तो 6 स्टेप नीचे जाने के बाद हम यहाँ पहुंचे और चूंकि हम राइट साइड पे 5 स्टेप मूव किया था या 5 एटम्स हमने क्रॉस किए थे तो लेफ्ट साइड पर भी हम जाते हुए भी 5 एटम ही क्रॉस करेंगे। अगर हम बी पर उसी पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब इसमें क्रिस्टल के अंदर किसी किस्म की डिस्टॉर्शन नहीं है, तो बर्जर वेक्टर जो है उसकी मैग्नीट्यूड 0 होगी। और अगर आप लोगों का बी पॉइंट पर नहीं पहुंचते तो इसका मतलब बर्जर वेक्टर की कुछ मैग्नीट्यूड है, अगर बर्जर वेक्टर की मैग्नीट्यूड है तो क्रिस्टल लैटिस में डिस्टॉर्शन भी है। जैसे आप लोग ये राइट साइड वाली फिगर को देखें, हम पी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और पी से 6 स्टेप अपवर्ड डायरेक्शन मूव करते हैं, हम यहाँ पहुंचे, यहाँ से राइट साइड की तरफ 5 स्टेप्स और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिर 6 स्टेप और लेफ्ट साइड पे जब हम 5 स्टेप मूव करेंगे तो हम पी से क्रॉस कर जाएंगे, आगे निकल जाएंगे और हम पहुंच जाएंगे पॉइंट क्यू पर। अब दोबारा पी पर आने के लिए जो हमें डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो बर्जर वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी और क्यू से पी की तरफ जो इसकी डायरेक्शन है वो बर्जर वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो इस लैटिस के अंदर जो डिस्टॉर्शन है वो डिस्टॉर्शन जो है उसकी डायरेक्शन और उसकी मैग्नीट्यूड बर्जर वेक्टर की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की ही होगी, यानी जो बर्जर वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है बिल्कुल डिस्टॉर्शन की भी वही मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है। तो हम बर्जर वेक्टर यहाँ फाइंड करेंगे जिससे हम लैटिस की डिस्टॉर्शन आसानी से फाइंड कर सकते हैं।
तो यहां से अगर आप लोग देखो तो बर्जर वेक्टर की डायरेक्शन है फ्रॉम क्यू टू पी और इसकी मैग्नीट्यूड क्यू पी, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बर्जर वेक्टर और यही डिस्टोर्शन है क्रस्टर में। तो ये बहुत सिंपल सा और आसान सा तरीका है क्रिस्टल स्ट्रक्चर लैटिस के अंदर डिस्टोर्शन फाइंड करने का, और ये डिस्टोर्शन जो है ये लाइन डिफेक्ट में ही हम फाइंड कर सकते हैं। अगर आप लोग देखें तो वही बी वी यानी कि क्यू पी, ये बर्जर वेक्टर की मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन फ्रॉम क्यू टू पी होगी, और बर्जर वेक्टर जो है ये हमेशा ये परपेंडिकुलर होगा एज ऑफ डिसलोकेशन लाइन। डिसलोकेशन लाइन अगर आप लोग देखें तो इसमें डिसलोकेशन लाइन ये है, ये लाइन डिफेक्ट है, और बर्जर वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, यानी बर्जर वेक्टर की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, लाइन डिफेक्ट जो है या जो डिसलोकेशन वो परपेंडिकुलर, तो वो वर्टिकल होगी, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो आप लोग याद रखेंगे जो एज डिसलोकेशन है और बर्जर वेक्टर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, आप लोग ये ऊपर एग्जांपल दी इसको भी समझ सकते हैं। ये लेफ्ट साइड पर फिगर में कोई डिफेक्ट नहीं है नजर नहीं आ रहा, जबकि लेफ्ट साइड पर डिफेक्ट है, और ये बर्जर वेक्टर से हम फाइंड कर सकते हैं। टू फाइंड द वेक्टर वी स्टार्ट फ्रॉम ओ पॉइंट ओ एंड पॉइंट ओ टू पी मूविंग 1 2 3 4 1 2 3 4 फोर स्टेप एंड रीच इज एट पी, देन मूविंग 1 2 3 स्टेप एंड रीच इज एट क्यू, और फिर यहां से कुछ इस तरह से एम से स्टार्ट किया, एम से हम स्टार्ट करेंगे एम से। हाँ ये थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल है, आप देखें एम से मूव करते हुए हम पहुंचे ओ से, आई एम सॉरी इन्होंने स्टार्ट किया है पॉइंट, आप जिस तरह मर्जी ले लें, चलें हम स्टार्ट करते हैं एम से। एम से मूव करते हुए 1 2 3 3 स्टेप हम एन पर गए, एन से मूव करते हुए 4 स्टेप हम ओ पर गए, ओ से मूव करते हुए हम पहुंचे पी पर 3 स्टेप, और फिर पी से ओ पर पहुंचे 4 स्टेप में, लेकिन हमने स्टार्ट किया था एम से और पहुंचे हैं क्यू पर ओ पर। तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये डिस्टेंस जो है इतना जो है ये बर्जर वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी, और ये डायरेक्शन होगी फ्रॉम एम टू, क्योंकि हमने एम से स्टार्ट किया था तो डायरेक्शन होगी फ्रॉम एम टू क्यू। लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लें, वहां पर अगर आप लोग उस पॉइंट जो जहां से स्टार्टिंग पॉइंट से आगे निकल जाओ तो बर्जर वेक्टर डायरेक्शन होगी वो एंड पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट, और अगर आप लोग पीछे रह जाओ तो फिर इनिशियल पॉइंट टू एंड पॉइंट ये डायरेक्शन होगी जो डिफरेंस। और लेकिन देख लें डिसलोकेशन जो है वो वर्टिकल है और बर्जर वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल है, सो बोथ आर बोथ दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये जहां से हम लैटिस के अंदर जो डिस्टॉर्शन उसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इजीली फाइंड कर सकते हैं। बट नेक्स्ट एग्जांपल इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस एग्जांपल। इन दिस एग्जांपल वी आर टेकिंग अ बल्क मटेरियल वॉल्यूम इन बल्की मटेरियल, और अगर चूंकि ये हमारा टॉपिक जो है ये बर्जर वेक्टर अप्लाई होता है सिर्फ सरफेस डिसलोकेशन टू डायमेंशनल लाइन जो है इंपरफेक्शन पर या लाइन डिफेक्ट्स पर वन डायमेंशनल डिफेक्ट पर, सो हम सरफेस पर हम इसको देखेंगे हमें जो डिफेक्ट नजर आएगा। तो ये हम यहाँ पर अगर हम स्टार्ट करते हैं किसी पॉइंट से स्टार्ट कर लें, ये थोड़ा इसको नजर आना थोड़ा मुश्किल है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम स्टार्ट कर रहे हैं एम से एन ओ पी और पी से एम तक गया। तो अगर हम लेफ्ट साइड की फिगर में देखें तो यहाँ हमें कोई डिफेक्ट नजर नहीं आ रहा, बल्कि जब हम राइट पे चलते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर अप डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम एक जगह स्टेप्स मूव करने के बाद एक्जैक्टली इनिशियल पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, जबकि अगर आप ये राइट साइड वाली फिगर में देखें तो हम अगर एम से स्टार्ट करते हैं एम से एन, एन से ओ, ओ से पी, ओ पी और एम से एन ये एक जैसे स्टेप्स हैं, जबकि एन से और पी से एम ये स्टेप डिफरेंट है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखें ये ज्यादा स्टेप्स हैं, तो ज्यादा स्टेप में जो हमें एक एक्स्ट्रा स्टेप जो करना पड़ा है वो जो है अगर आप हॉरिजॉन्टल देखें तो स्टेप सेम है जितने एन ओ में है उतने पी एम में है, लेकिन एक स्टेप जो है हमें एक्स्ट्रा कवर करना पड़ रहा है और यही बर्जर वेक्टर है। तो ये बर्जर वेक्टर यहाँ पर देखें तो ये बर्जर वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। तो इस लाइन में जो डिफेक्ट है वहां पर डिस्टोर्शन जो लैटिस के अंदर है वो ये दी हुई है,
उसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इसके इक्वल है। लेकिन अगर आप इससे नीचे वाले स्टेप में जाएं तो बर्जर वेक्टर की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो वही रहेगी लेकिन मैग्नीट्यूड में कमी आ जाएगी। इसका मतलब है जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं बर्जर वेक्टर की मैग्नीट्यूड कम होती जा रही है, मैग्नीट्यूड कम होने के साथ साथ लैटिस में डिस्टॉर्शन भी कम होती जा रही है। तो बर्जर वेक्टर बिल्कुल हमें एग्जैक्ट जो डिस्टॉर्शन है जो उसमें जितनी भी डिस्टॉर्शन आई है लैटिस के अंदर उसके एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में देता है। लाइन डिसलोकेशन या लाइन डिफेक्ट्स की दो टाइप हैं, जिस वो हमने पहले स्टार्ट में भी देखा था, एक एज डिसलोकेशन और दूसरी स्क्रू डिसलोकेशन। एज डिसलोकेशन की अगर हम बात करें तो एज डिसलोकेशन में यहाँ पर कोई भी हाफ प्लेन जो है वो इंसर्ट होता है क्रस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, हाफ प्लेन, या ये समझ लें कि कंप्लीट रो ऐड नहीं होती, रो का कुछ हिस्सा, पार्शियल रो जो है वो ऐड हो जाती है किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर। और अगर हम सामने देखें तो हमें एक लाइन ही नजर आएगी, एक रो नजर आएगी, बट एक्चुअली इट इज अ प्लेन दैट इज इंसर्टेड इनटू द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और अगर यहाँ पर हम बर्जर वेक्टर को देखें तो बर्जर वेक्टर जो है ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा उस डिसलोकेशन के। जहां से बर्जर वेक्टर की आप मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें तो बिल्कुल जैसे बी रेड कलर में नजर आ रहा है इसके बराबर इसमें डिस्टॉर्शन है, तो ये बर्जर वेक्टर उस लाइन डिसलोकेशन के परपेंडिकुलर है। इस तरह अगर हाफ प्लेन ऐड हुआ हो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर तो हम इसको कहेंगे एज डिसलोकेशन, जबकि स्क्रू डिसलोकेशन इससे थोड़ा डिफरेंट है। अगर हम स्क्रू डिसलोकेशन की बात करें तो इसमें स्पायरल प्लेन जो है वो, यानी आप ये समझ लें कि अगर आप वो शियर स्ट्रेस किसी मटेरियल पर अप्लाई करते हैं और एज अ रिजल्ट शियर स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है, शियर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है, इस तरह की डिसलोकेशन को हम कहते हैं स्क्रू डिसलोकेशन। क्योंकि इसमें ऐसे होता है कि जो मटेरियल है जो क्रिस्टल है वो थोड़ा सा स्पायरल प्लेन में वो मूव कर जाता है, यानी आप स्क्रू टाइप उसकी स्क्रू डिसलोकेशन आती है, स्क्रू वाइज डिसलोकेशन आती है, मतलब उसमें कोई नया प्लेन ऐड नहीं होता बल्कि एक जो लाइन में डिसलोकेशन है वो स्क्रू वाइज होती है कि एक तरफ से जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक तरफ होगा जबकि दूसरी तरफ दूसरी, यानी शियर डिफॉर्मेशन होगी। तो शियर डिफॉर्मेशन के नतीजे में जो डिसलोकेशन जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे स्क्रू डिसलोकेशन। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ बर्जर वेक्टर जो है उस लाइन के, उस डिसलोकेशन लाइन के बिल्कुल पैरेलल होगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिससे आप लोग डिटेक्ट कर सकते हो कि वेदर द डिसलोकेशन इज स्क्रू आर एज। कैसे? एज डिसलोकेशन में बर्जर वेक्टर उस लाइन डिसलोकेशन लाइन के परपेंडिकुलर होता है, जबकि स्क्रू डिसलोकेशन में जो डिसलोकेशन लाइन है बर्जर वेक्टर उसके पैरेलल होगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये लाइन आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दिस इज ऑल अबाउट लाइन डिसलोकेशन, लाइन डिफेक्ट्स।